आप लोगों की आज्ञा चाहूंगी, अगर आपका आदेश हो तो मैं कट पीस भी अभी गा दूं, ठीक, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है इसलिए। भैया हमारे योगेश राज, योगेश मिस्त्री जी, आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद है। हेलो हेलो हेलो, देखो भैया कब हो गया, मेन माइक देखो। हेलो, क्या बताएं भाई मेरे, बढ़ा दो भैया, कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो, बढ़ा दो, बढ़िया साउंड आपका, हमको साउंड की पड़ी और क्या हमारे ही चक्कर में है सब, थोड़ा बढ़ जाए तो बढ़ा दीजिए, अगर कैसेट बना रहे हैं तो उसके चक्कर में भी ये गड़बड़ रहता है। कैसेट मत बनाइए, पहले गाना हो जाने दीजिए, कैसेट तो यूट्यूब बन ही रहा है, वो तो सब सुन ही लेंगे उसमें, और आपको अपना बनाने की क्या आवश्यकता है। हेलो हेलो हेलो, देखिए कितना बढ़िया बोल रहा है, एक कट पीस मेरी तरफ से आप सुने, कि नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा, नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, बंशी बाजेगी तो राधा नाचे, बंशी बाजेगी राधा नाचेगी, बंशी बाजेगी राधा नाचेगी, बंशी बाजेगी तो राधा भैया। मैं इस खंड गीत में किसी पौराणिक विषय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं देश की बात कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ हम लोग रह रहे हैं हमारा भारत देश है, और इसमें ऐसे ऐसे वीरों ने अपनी जान निछावर की है देश के लिए, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। आप लोगों ने एक घटना थोड़े समय पहले देखी कि एक पुलवामा हमला हुआ, उसमें हमारे 42 जवान एक साथ मारे गए, लेकिन वो खून की आग, वो होली हर बच्चे के दिल में जल रही थी, और फिर हमारी सरकार को भी एक कदम उठाना पड़ा, इस बार छूट दे दी गई कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और देखिए 42 के बदले 350 ठोंक दिए गए, और जब मारे गए, हालांकि मेरा किसी राजनीति पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना सपा ना बसपा ना भाजपा, क्योंकि मेरी अपनी खुद एक पार्टी है, क्रांति माला एंड पार्टी, हमारा चुनाव निशान है ढोलक जी का हारमोनियम। लेकिन मैं एक ऐसे वीर की बात कर रही हूँ जिसको सभी ने प्यार दिया, और मैं अपने कटपीस में
उसी टुकड़े को ले रही हूँ, यानी ऐसा मिलान कर रही हूँ। रामवीर भैया सुनिएगा ध्यान से, पहले कहना है उस पाकिस्तान के लिए, क्या ये पाकिस्तान है अपनी मतदान, ऐ पाकिस्तान क्षमा दया छोड़ो भाषा बोलो फौलादों की। हमारे वीर उस पाकिस्तान से कह रहे हैं अपने वीरों से कि क्षमा दया छोड़ो भाषा बोलो फौलादों की, खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की, और भूल भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते पागल हो जाए तो फिर गोली मारी जाती है। ऐसे लोगों को तो गोली मारी जाती है। और क्या, पाकिस्तान दहशत में है। अब मैंने अपने कट पीस में दो का मिलान लिया है, एक त्रेता के हैं एक कलयुग के हैं। उसके बाद एक अटैक और हुआ, पाकिस्तान चैन से नहीं बैठा, हमला किया उधर से, इधर से हमारे कुछ विमानों ने दौड़ाया, हमारे भारत का एक वीर उनके उस चक्रव्यूह में फंसा, लेकिन उसने भी अपनी हिम्मत हारी नहीं, और नहीं हारी तो देखिए मैं कट पीस में कह रही हूँ कि दोनों उड़ कर गए बांधे गए बंधन है, प्रशासन के लोग भी बैठे हैं, मैं चाह रही हूँ आप लोग भी सुनेंगे। भैया भैया ये दोनों कौन हैं? कौन है के दोनों, ये दादा को बैठा दो कहीं भाई, भाई भाई जाओ चाचा बैठा, आप अकेले कटपीस में भाई जाओ खटाई डाल रहे हैं, बैठ जाओ चाचा बैठाओ। ये दोनों कौन हैं? दोनों उड़ कर गए बांधे गए बंधन हैं। दोनों कौन है ये? कौन है के एक है केसरी नंदन एक अभिनंदन है, एक केसरी नंदन यानी हनुमान और दूसरे अभिनंदन। अब दोनों ही उड़कर गए, हनुमान लंका में उड़कर गए और ये अपने विमान से पाकिस्तान तक चले गए, तो दोनों उड़कर गए बांधे गए बंधन है, एक है केसरी नंदन एक अभिनंदन है, और दोनों के जाने पर होता क्रंदन है। इधर हनुमान के लिए वानर भालू परेशान है, और इधर अभिनंदन लौट कर नहीं आए तो देश की जनता परेशान है, तो दोनों के जाने पर होता क्रंदन है, आए वापस दोनों का होता वंदन है, तो दुश्मन के घर में घुस कर हनुमान जी के लिए चाहे रावण जैसा दुश्मन हो और अभिनंदन के लिए चाहे पाकिस्तान जैसा दुश्मन हो, तो दुश्मन के घर में घुस कर विपदा को टाला है, और लौट के आए दोनों तो मुंह शत्रु का काला है। मेरी पंक्ति सुनिएगा, अच्छी लग जाए तो यहाँ से पीछे तक ताली बजनी चाहिए, पहले सुन लीजिए। लौट के आए दोनों तो मुंह शत्रु का काला है, और ये दोनों हैं कौन? एक तो पूछ वाला है, एक तो पूछ वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये है हिंदुस्तानी मूछ, एक पूछ वाला है और एक मूछ वाला है। ये बात तो लौट के आए दोनों तो मुंह दुश्मन का काला है, एक लंबी पूछ वाला है, एक लंबी Ah
प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की जय। हेलो हेलो, एक मूछ वाला है। वैसे कायदे में अगर आप कह रही हैं तो आपका गीत उधर से आया था, मैंने उसे आगे बढ़ाया था। मैंने खाई है वो झूठी कसम हो न जाए, आपको कायदे में अपना गीत आगे बढ़ाना था उधर से, क्योंकि आपका गीत था, मैंने उसे आगे पहुंचाया। तो आगे से आप जब उसको बढ़ाती तब कलम की लड़ाई होती। खैर, आपने नया चक्र दिया है, मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है एक बार आदरणीय क्रांति माला जी के लिए। जोरदार तालियां मैं फिर चाहूंगा, जोरदार तालियां। पाकिस्तान के लिए तो आपने कह दिया कि पागल कुत्ते हो जाएं तो गोली मारी जाती है। हाँ। लेकिन उनका क्या करें? हेलो हेलो। उनका क्या करें जो अपने दिल के अरमां खोलते नहीं हैं और इस भारत में रहते हैं लेकिन भारत माता की जय बोलते नहीं है। जय जय। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा वंशी पाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, yeah! अभिनंदन जी की बात आप लाई। अब शत्रु का मुंह काला क्यों है और अभिनंदन का अभिनंदन क्यों है? नौ बजकर 21 मिनट, नौ बजकर 21 मिनट बादल खुशी के छा गए, अभिनंदन धन्य है जो दुश्मन की सीमा में डोल करके आ गया, दुश्मन की सीमा में डोल करके आ गया, दुश्मन की सीमा में डोल करके आ गया। भावना अनन्य है, अभिनंदन धन्य है, दुश्मन की सीमा में डोल करके आ गया। और बहन आपने कहा था कि ताली पीछे तक बजे, मैं भी कोशिश करूंगा कि
तालियों की आवाज शायद पाकिस्तान तक जाए। जो जो दुश्मन की सीमा में डोल करके आ गया और बोला हो गन निर्भय भारत माता की जय। दुश्मन की ताकत को डोल करके अगर ये पंक्ति आपके दिल को छू जाए, शेर देखो सीना खोल खोल के आ गया, आन बान शान में घुस के पाकिस्तान में वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल करके आ गया। और एक केसरी नंदन एक अभिनंदन है। आपने जितनी भी बातें थी उसमें पूरी कोशिश करके कटपीस को बड़ी सुंदरता से सजाया है, लेकिन प्रयास कर रहा हूं मैं कहीं थोड़ी सी एक लाइन मिल जाए। नाम बेशक किसी का आप न लें, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। जवान पहले भी जाते थे पाकिस्तान पता नहीं चलता था, पहले भी जाते थे पता नहीं चलता था, अभी अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान दहशत में है। अगर पाकिस्तान दहशत में है तो ये ताकत किसी और की नहीं, ये ताकत नरेंद्र मोदी की है। ताकत नहीं है जो पाकिस्तान दहशत में है। वो अभिनंदन और वो बजरंगी कोई बात नीयत मोदी की, ये हो शर्मा जी मेरा मिलान है। कोई बात नीयत मोदी की, उधर में शक्ति श्री रामचंद्र की, इधर नरेंद्र पार भार दो कंधन है। दोनों गए सीमा पार भार दो कंधन है, और इत महावीर उत पीर का यूं अभिनंदन है। ये भी लाइन विशेष है, भगवान बजरंगबली को कहा जाता है महावीर, और अभिनंदन जी के लिए आप लोगों ने सुना भी होगा जाना भी होगा भारत सरकार की ओर से वीर चक्र की जो घोषणा हुई, तो इसलिए मैंने ये लाइन मिलाई कि उत महावीर और इत वीर दोनों का अभिनंदन है। तब कहना उत महावीर इत वीर का यूं अभिनंदन है, दोनों ने किया ऐलान गति वो मंदन है, दोनों ने किया ऐलान गति वो मंदन है, कुर्बान फर्ज पे दोनों का तन मंदन है। ये आगरा धनौली रसिया कमेटी संजीव शर्मा तारा सिंह पत्रकार राम बाबू जी दे रहे हैं, धन्यवाद कहूंगा। क्यों है? क्योंकि हनुमान जी महाराज से भी जब कहा गया तो हनुमान महाराज जी ने भी भगवान श्री राम का जयकारा नहीं छोड़ा, और इधर इधर अभिनंदन जी से भी जब कहा गया कि अपने यहाँ के भेद बता तो केवल दो लाइन बोली, जब तक मेरी जा में जा बाकी और ना राज बतन के खोलूंगा। और ये पंक्ति पीछे तक तालियां स्वयं बजाएंगी, मेरा कहना नहीं है कि जब तक मेरी जा में जा बाकी ना मैं राज बतन के खोलूंगा, अरे चाहे मार दे गोली सीने में पर मैं बंदे मातरम।
और आज हर कोई पूछ रहा है अभिनंदन को के बा अभिनंदन अब दोनों की है पूछ पूछ का खेल निराला है। आदरणीय महाराज जी अब दोनों की है पूछ पूछ का खेल निराला है। और एक और समानता ऐसे नहीं कि मुझे तो ललन की पड़ी लड़के आए क्योंकि आप गा रही हैं मैं जवाब दे रहा हूं उधर से फिर बढ़ के आएगी तब बात में मजा आएगा। अब दोनों की है पूछ पूछ का खेल निराला है। ऐसे कह दिया एक मिनट में पागल कुत्ते हो जाएं तो गोली मारी जाती है। अब उसमें तो गोली मार दें लेकिन भारत माता के दिलों में कुछ खार पैदा हो गए। अरे ये आजाद भारत क्या हुआ इसमें ये कथार पैदा हो गए। ये हम तुमको लड़वा मरवा कर पैदा मतभेद करते हैं और सही बात हो तब बजाना ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माताओं की ओर से आशीर्वाद आ रहा है। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन करें। बहन जी स्वीकार करिएगा जैसा भी जवाब मेरी ओर से हो रहा है। आइएगा ये कटपीस का जवाब एक गीत और दिया था।